दोस्तों पाकिस्तान को आज जिम्बाब्वे का तो बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। जिम्बाब्वे की टीम ने दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान को बहुत बड़ी शिकस्त दी और 99 रन पर जो है वो ऑल आउट कर डाला है पाकिस्तानी टीम को। दोस्तों इस पर भारतीय मीडिया भी बहुत खुश है, भारतीय मीडिया पर चर्चे हैं पाकिस्तान के हारने के। तो दोस्तों पाकिस्तान को आज बहुत बड़ी शिकस्त हुई है जिम्बाब्वे के हाथों। दोस्तों पाकिस्तान ने आज जिम्बाब्वे से पहला मैच जो है वो T20 हारा है। तो दोस्तों मज़ीद वीडियो से आगे बढ़ने की तरफ, दोस्तों अगर अभी तक आपने जवाब स्पोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन पर प्रेस कर फरार पर क्लिक कर दें ताकि आपको क्रिकेट के रिलेटेड वीडियो मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों पाकिस्तान ने आज जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दिया। दोस्तों पाकिस्तान ने टॉस जीत कर जिम्बाब्वे को बैटिंग की दावत दी और जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को 118 रन का हदफ दिया, जो कि पाकिस्तान की टीम दूसरी इनिंग में बिल्कुल ही नाकाम रही और ये हदफ चेस करने में जो है छोटा सा हदफ चेस करने में नाकाम रही है। तो दोस्तों पाकिस्तान का आज फिर मिडल ऑर्डर जो है वो नाकाम रहा है। तो दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से आसिफ अली, हैदर अली, दानिश अजीज़ और कोई भी लंबी इनिंग्स नहीं खेल सका, जो कि पाकिस्तान की हार का सबब बना। तो दोस्तों आज पाकिस्तान को सिर्फ 99 रन पर जो है ऑल टीम आउट हो चुकी है पाकिस्तान की। तो दोस्तों पाकिस्तान की टीम आज बुरी तरह शिकस्त हुई है जिम्बाब्वे के से। दोस्तों पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान आज से पहले 15 मैचेस खेले जा चुके हैं, जो कि पाकिस्तान ने जीते थे, लेकिन आज पहला मैच जो है पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार गया है। ये बहुत बड़ा तारीख का पहला मैच जो है जिम्बाब्वे की तारीख में उन्होंने पहली बार पाकिस्तान से मैच जीता है। तो दोस्तों इस पर भारतीय मीडिया पर बहुत चर्चे हैं और भारतीय मीडिया बहुत खुश है पाकिस्तान के हारने पर, और अभी भारत पर बहुत चर्चे जा रहे हैं भारतीय मीडिया पर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों मैं अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।